मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमर से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मर जाऊं तो ये जो तिरंगा का कफन चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो राजस्थान से रिलेटेड है जो एक गुड न्यूज़ आपके लिए निकल गई है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ आपको कन्फर्म कर दूं, जो बंदे अभी प्रेजेंट डे में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। ठीक है, बहुत से बंदे आपको जो ऐसी ऐसी बातें कहते होंगे, लोग आपको क्या कहेंगे क्या कहते हैं, तो 5 बातें यदि आप जो लाइफ में उतारते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूँ इस भर्ती में, आने वाली इस भर्ती में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये 5 बातें अपने दिमाग में और आके खोल के ज़रूर सुन लेना, और कानों को जो दिमाग में ये चीज़ जो बैठा देना, 5 चीज़ आप यदि बैठा दी तो आने वाली इस भर्ती में 100% सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। मैं आपको जो 5 बातें बताने वाला हूँ तो ज़रूरी है आपके लिए, प्लीज़ 5 बातें अपने दिमाग में ज़रूर बैठा देना। कौन कौन सी वो 5 बातें ज़रूर देख लेना, और आपके लिए राजस्थान वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो कौन सी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ सब अपडेट इसमें मिलने वाली है। पहले आपकी जो 5 बातें कौन सी हैं वो ज़रूर अपने दिमाग में बैठा देना, जिससे आने वाली भर्ती में आपका दिमाग सही सेट हो, फोकस करो और उसी जो भर्ती में सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है, तो प्लीज़ जो 5 बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़िंदगी में आपको रियल में सफल होना है, सक्सेस होना है, आपको सक्सेस की कामयाबी चाहिए, यानी आपको इंडियन आर्मी में वर्दी चाहिए, तो आपको क्या करना है 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट, लोग आपको क्या कहेंगे, ये चीज़ आप बहुत से जो बंदे होते हैं जो तैयारी करते हैं उनको हर भर्ती में जाते हैं रिजेक्ट होते हैं, उनको डीमोटिवेट होकर वो जो अपनी रनिंग को छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ लोग क्या कहेंगे उन चीज़ पे आपको दिमाग में आइडियाज़ नहीं लेके आने हैं, ये चीज़ भूल जानी है हमेशा के लिए। लोग क्या कहेंगे उन चीज़ों से आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, मुझसे ये नहीं होगा, ये आपको कभी भी जो नहीं बोलना लाइफ में कि जो मेरे से ये चीज़ नहीं होगी वो नहीं होगी, या आपको रनिंग के लिए भी आप 1600 मीटर कर रहे हो या जो भी आप रनिंग कर रहे हो तो ये नहीं होगी, ये ऐसा चीज़ नहीं करना है। सेकंड, मेरा मूड नहीं है, ये चीज़ भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। ठीक है, मेरा किस्मत ख़राब है, 10 बार आप ट्राई करोगे तब भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का जो आपका है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत से बंदे पूछते हैं कि यार तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए ज़रूरी है, मेरा टाइम नहीं है, ये जो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो जो टाइम नहीं है वो नहीं है, आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दो, कंटिन्यू तैयारी करो। राजस्थान वालों के लिए बहुत अच्छी सी अपडेट है, वो आपको इसमें अखबार में बताने वाला हूँ, कौन सा नोटिस है वो भी आपके साथ शेयर करना हूँ। ये 5 बातें अपने दिमाग में ज़रूर बैठा देना, जिससे आपके लिए बहुत अच्छी सी आपके मिल सके आपको कामयाबी। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हमको कहे थे जो आपको राजस्थान वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। ठीक है, बहुत से बंदे पूछ रहे हैं कि ये जो सर जो भी अलवर वालों के लिए एक नोटिस आया है तो क्या सही है या नहीं। एक चीज़ ये कन्फर्म कर दूं, जो आपको नोटिस है जो इस चैनल पर आपको मिलता है वो 100% वेरीफाई करने के बाद ही आपको इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, क्योंकि ये डिफेंस का चैनल है, तो आपको एक सही जानकारी प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ, उसकी पूरी जानकारी करने के बाद ही आपको इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। जो जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूँ 100% सर्टिफाई होती है, उसके बाद ही आपको अपलोड कराता हूँ। तो वो कौन सा सर्टिफिकेट है और ये जो कौन सा ये नोटिस है जो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पूरा वीडियो देख लेना और हर भाई के साथ शेयर करना। एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी दलाल है जो बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो दलालों से प्लीज़ सावधान रहना। बहुत से ऐसे जो चूतिए और जो ऐसे इंसान होते हैं जो आपको जो पैसे हड़पने के लिए अभी जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे बंदे हुए हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए और अपने कामयाबी जो करने की तैयारी कर रही है उसको गिराने की कोशिश करते हैं और आपको जो पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ऐसे पागलों से दूर रहना, सावधान हो जाना। ठीक है, भर्ती आपकी फाइनली आ चुकी है, तो कौन किस डेट को होने वाली है, क्या प्रोसेस है और क्या नोटिस है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देख लेना। ओके सो गाइस, अभी जो आपके सामने नोटिस दिख रहा है, इस नोटिस में आपको जो सेनेट लिबर्टी के बारे में बता रखा है, ठीक है, इसलिए जो सेनेट लिबर्टी के बारे में बता रखा है, तो सेनेट लिबर्टी तस्वीर साफ हो चुकी है, फरवरी में उदयपुर वाले जो अपने मार्च में जयपुर की होगी भर्ती, अलवर में होने वाली भर्ती वह मार्च के बाद ही होगी। ठीक है, और इसमें जो एक और टॉप पे दे रखा है आपको इसमें देख रहा होगा, रैली में आने वाले पहले यानी पहले देने वाले जो आपको रिपोर्टिंग टाइम देने वाले उसमें जो आपको 72 घंटे की कोविड टेस्ट जो अपना कोरोना टेस्ट जो आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेके आपको वहाँ पे जाना है भर्ती में, एडमिट कार्ड के साथ आपको देने होगी। ठीक है, एक दिन में आपको लगभग 3000 से अधिक बंदे बुलाए नहीं जाएंगे। ठीक है, 3000 के आसपास से जो नहीं बुलाए जाएंगे या इसके कम ही बुलाएंगे, 2000 के समथिंग या 2000 के आसपास की आपको एवरेज रहेगा। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कन्फर्मेशन बता रखी है। अब एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि बहुत से बंदे पूछ रहे हैं कि सर जो अलवर की भर्ती के बारे में क्या नोटिस है, तो अलवर की जो भर्ती आपकी फाइनली अब जो मार्च के आसपास ही आने वाली है, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, अलवर की फाइनली भर्ती आपकी मार्च में ही होने वाली है, ये चीज़ इसमें सर्टिफाई कर रखा है। ठीक है, और अपने जयपुर की और जो उदयपुर वालों की फाइनली इसमें भर्ती बता रखी है कि ये जो आपकी कब होगी वो इसमें बता रखा है।
भर्ती अपने जयपुर और उदयपुर में होगी। ये चीज़ जो पहली भर्ती आपके होने वाली है वह जो अभी प्रेजेंट टाइम में जयपुर और उदयपुर वालों की भर्ती फाइनली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ही अपनी मार्च वालों अलवर वालों की भर्ती आएगी, ठीक है। ये चीज़ें जो कन्फर्म बता दी। बाकी जो अलग अलग आर ओ हैं उन सभी की मैंने अलग अलग डेट बता रखी है, वही लगभग आसपास आएगी। बाकी झुंझुनू आर ओ वाले जो बंदे हैं, झुंझुनू आर ओ की उनकी बता दूँ, झुंझुनू वालों की थोड़ा डिले हो गई है, तो वो किस कारण हुई है उसकी अलग से वीडियो आएगी। उसका एक ऑफिशियली नोटिस आउट होता है वो थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे जो नोटिस में बताएंगे, बाकी जो इसमें जो आपकी डिले हुई है वो झुंझुनू वालों की हुई है, बाकी सभी की लगभग जो वही चल रही है जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जयपुर में भी अपनी बैठी की गई, नीरज जो सांसद आए थे और बहुत से जो बड़े बड़े अध्यक्ष और जो ब्यूरोक्रेट साहब भी वहाँ पे आए थे, ठीक है, इस मीटिंग में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये चीज़ जो कन्फर्म कर दूँ कि अपने अलवर वालों के लिए भी जो एक गुड न्यूज़ है कि अपनी मार्च के समथिंग ये भर्ती आने वाली है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको जानकारी मिलती है हो या कोई भी नोटिस मिलता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हो जो आपको दे रखे स्क्रीन पर, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो आप इसी नंबर मैसेज करके जो भी जानकारी लेनी है तो ले सकते हो। ओके सो गाइज, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, जिससे मैं आपको पूरी अब जो जानकारी के साथ वीडियो बना सकूँ और आपको शेयर कर सकूँ। और जी हाँ दोस्त, आपके टीए की भर्ती भी जो फाइनल आ चुकी है तो उसका वीडियो भी जो अभी शाम तक जो अपलोड हो जाएगा तो उस वीडियो को भी कंप्लीट देख लेना। राजस्थान वालों के लिए या कोई और स्टेट के लिए ज़रूरी है वो नोटिस, तो उस नोटिस में आपको बता रखा हूँ कि कौन कौन सी डेट को भर्ती होने वाली, कहाँ कहाँ की होने वाली है, उसकी पूरी जानकारी उसमें बता रखी है। तो एक बार जाकर जरूर कन्फर्मेशन देख लेना।